अच्छा भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं कि ई टू द एक्स ही होता है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि जो यूं बढ़ता चला जाता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो वो फंक्शन की कदर के बराबर होता है। तो ई के बारे में तो हम ये जानते हैं, क्या कोई दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ऐसा हो सकता है? तो ई के बारे में तो हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा होता है, लेकिन किसी भी कॉन्स्टेंट की पावर अगर एक्स हो तब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है, तो क्या इसके जरिए इसका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है भाई, ये अपन आपको करके दिखाते हैं। देखिए भाई, अगर मैं e टू द x के जरिए a तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दुआ मांगनी पड़ेगी कि या अल्लाह हमारी परेशानियों को आसान फरमा। नहीं भाई, a अगर मुझे चाहिए तो e की ताकत ln a अगर मैं लूं तो मेरे पास a आ जाएगा। गोया ए टू द एक्स की जगह मैं ई की ताकत एल एन ए लिख सकता हूं और फिर इसका डेरिवेटिव ले सकता हूं, और जाहिर है इसका डेरिवेटिव नहीं होगा भाई, ए की ताकत भी तो एक्स तक जा रही है ना, जिसका मतलब ये है कि ये ई टू द एल एन ए जो है इसकी ताकत भी एक्स तक बढ़ रही है। ऐसा ही है, तो क्यों ना मैं इस बात को कुछ यूं लिख दूं कि एल एन ए ब्रैकेट में है और आपका एक्स नीचे आ जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास चेन रूल लग सकता है, बैरूनी फंक्शन ये है, अंदरूनी फंक्शन ये है, और चेन रूल में हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं बैरूनी फंक्शन का, तो बैरूनी फंक्शन है e टू द x और ln a जूं का तूं रहेगा, लिहाजा ये हो गया e टू द ln a x, और फिर अंदरूनी फंक्शन से इसको ज़रब देना है। तो ln a x का डेरिवेटिव क्या होगा? जाहिर है ln a चूंकि कॉन्स्टेंट है तो ln a ही इसका जवाब आएगा। नहीं समझे? अगर मेरा फंक्शन है ln a x और x के एतबार से मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो जाहिर है ये तो कांस्टेंट हुआ ना, ये उसी तरह जिस तरह अगर मैं 3x लिख दूं तो मेरा डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 आएगा। 8x अगर मैं लिख दूं तो डेरिवेटिव क्या आएगा? 8 आएगा। तो इसी तरह ln a x अगर मैं लिखता हूं तो इसका डेरिवेटिव आएगा ln a। ठीक है, तो अगर मैं इस बात को यूं लिख दूं कि ln a जरब e टू द ln a और इसकी ताकत x लिखूं, तो मैं ये जानता हूं जो कि मैंने ऊपर देखा ही था कि e टू द ln a क्या था? a के बराबर था, लिहाजा यहाँ पे a आ जाएगा और मेरा डेरिवेटिव बहुत आसानी से बनता है ln a ज़रब a की ताकत x। इसकी एक मिसाल भी आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपसे कहा जाए, फ़र्ज़ कीजिए d बाई डी एक्स निकालना है 8 ज़रब 3 की ताकत x, तो क्या होगा? 8 तो जूं का तूं रहेगा, बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट है, ज़रब 3 की ताकत x का डेरिवेटिव क्या होगा? ln 3 ज़रब 3 की ताकत x, ln 3 ज़रब 3 की ताकत x, जिसको मैं लिख सकता हूँ 8 ln 3 ज़रब 3 की ताकत x।